आर्कमिडीज प्रिंसिपल दो तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, दो किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। पहली प्रॉब्लम, या तो बॉडी तैरेगी या बॉडी डूब जाएगी। देखो, तो या तो सिंक करेगी या फिर तैर लेगी, उछल के बाहर उड़नी तो स्टार्ट उड़नी उड़ तो सकती नहीं है। तो अगर बॉडी मान लो पानी में डाल दी गई और फ्लोट करे ना करे, या आयरन की बॉल भी हो सकती है, लोहे की बॉल भी हो सकती है, ऑब्वियसली वो तैरेगी नहीं। पर हाँ, कोई भी बॉडी चाहे वो तैरे या ना तैरे, आर्कमिडीज कहता है उसमें लॉस इन वेट तो होगा ही होगा। पानी में जाके बॉडी हल्की तो होगी होगी। आप जब स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं तो आप हल्का फील करते हैं, क्यों? पानी आपको क्या लगाता है? अप थ्रस्ट, फोर्स ऑफ बॉयंसी जिसे बोलते हैं, पानी ऊपर धक्का मारता है आपको, तो आप हल्का फील करते हैं। वही उसने बताया कि अगर हवा में किसी बॉडी का वेट 10 न्यूटन है और लिक्विड में बॉडी का वेट 8 न्यूटन हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लिक्विड ने ऊपर की तरफ क्या लगाई होगी? फोर्स। और कितनी लगाई होगी? 2 न्यूटन। क्यों? क्योंकि एक्चुअल वेट 10 न्यूटन है। पानी ने या लिक्विड ने कितनी लगाई? 2 न्यूटन। तो कितना वेट रह गया? 8 न्यूटन। अब जितनी ज्यादा अपथ्रस्ट की फोर्स लगेगी, बॉडी उतनी हल्का फील करेगी। तो कोई लिक्विड ज्यादा अपथ्रस्ट लगा रहा है तो और हल्का फील करेगी, बॉडी और हल्की हो जाएगी। ठीक। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अगर बॉडी का हवा में वेट 10 न्यूटन है और लिक्विड के अंदर वेट 8 न्यूटन है, तो देर इज लॉस ऑफ वेट। तो लॉस ऑफ वेट है कितना? 2 न्यूटन। और वही क्या होगा इसका? अप थ्रस्ट। रूल नंबर 1 क्लियर। एंड जब बॉडी पानी में जाएगी तो वो लिक्विड या पानी का वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर देगी, उसकी जगह ले लेगी। तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी? वी वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी। जितना इसका खुद का वॉल्यूम है उतना ही वो डिस्प्लेस कर देगी पानी का वॉल्यूम। तो अगर वो डिस्प्लेस्ड पानी को अगर आप मेजर करें, तोल लें, उसका भार देखें, वो भी 2 न्यूटन ही आएगा। मतलब कि आर्किमिडीज ने कहा कि जब पानी में या लिक्विड में ये बॉडी को डाला जाएगा तो लॉस इन वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। लॉस इन वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट या इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो लॉस इन वेट कितने? 2 न्यूटन। अपथ्रस्ट भी कितने? 2 न्यूटन। और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड भी कितना माना जाएगा? 2 न्यूटन। सिंपल है। प्रूफ नहीं करवाया मैंने, इसका प्रूफ करूंगा मैं, अभी करके दिखाऊंगा। अभी से स्टेटमेंट बताइए। तो स्टेटमेंट समझ में आ गई है? तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जैसे यहां पे लगा के देखते हैं, बॉडी का वेट है W1 और लिक्विड में बॉडी का वेट है W2, तो लॉस इन वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। एक ही बात है। तो क्या पहली डेफिनेशन सबको क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? यस सर। लेकिन ये प्रिंसिपल किस पे लग रहा है? जब कोई बॉडी अभी तैर नहीं रही, दिस इज नॉट अ फ्लोटिंग प्रिंसिपल। तो तैरने पे भी ये कॉन्सेप्ट लगता है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर बॉडी तैरती है तो ऐसा कॉन्सेप्ट लगेगा। फिर से आर्किमिडीज प्रिंसिपल अब लगाऊंगा, जब बॉडी फ्लोट कर रही है, अब ये डूब नहीं गई है, अब ये क्या कर रही है? कुछ पोर्शन हवा में तैर रहा है और कुछ सिंक हो चुका, मतलब कुछ पोर्शन पानी में और कुछ हवा में है, मतलब फ्लोट कर रही है, सिंक नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो मान लो अगर वी टोटल वॉल्यूम है और V डैश वॉल्यूम हवा में है, तो बचा हुआ कितना है? लिक्विड में V-V-। क्लियर है यहां तक? तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के अंदर। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसमें ये जो पोर्शन देख रहे हो जो पानी के अंदर है बॉडी का, ये लिक्विड को क्या करेगा? डिस्प्लेस। ये जो पोर्शन है ये पानी या लिक्विड को क्या कर देगा? डिस्प्लेस करेगा। आप अगर उस डिस्प्लेस लिक्विड का वेट निकाल लें तो हम क्या बोलेंगे? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और हमने अभी क्या सीखा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड अपथ्रस्ट वन एंड दी सेम थिंग। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड और अपथ्रस्ट में कोई फर्क नहीं है। तो पानी इसके ऊपर अपथ्रस्ट भी तो लगाएगा और वही वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। पर वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किसने किया? इतने पोर्शन ने किया? सारे ने नहीं किया। जो पोर्शन पानी के अंदर चला गया उसने ही वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया, सबने थोड़ा ना किया। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड या अपथ्रस्ट इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। अरे ये कैसे होल वेट कैसे हो सकता है अपथ्रस्ट? देखो सिंपल लॉजिक बताओ,
एक बॉडी तैर रही है, ठीक, वो उसको कौन सी फोर्स नीचे डुबोने की कोशिश कर रही है? उसका खुद का वेट, खुद का पूरा वेट नीचे लेके जा रहा है, और कौन उसे ऊपर पुश कर रहा है? अपथ्रस्ट। तो अगर अपथ्रस्ट बॉडी के वेट के इक्वल हो जाए, बॉडी तैरेगी। अगर अपथ्रस्ट बॉडी के वेट को इक्वल कर दे तो बॉडी तैरेगी। यही तो आर्कमिडीज कह रहा है कि बॉडी का वेट अगर 10 न्यूटन है और अपथ्रस्ट भी 10 न्यूटन है तो बॉडी तैरेगी। बात खत्म। समझ में आ रहा है यहां तक? क्योंकि एक ही फोर्स है जो ऊपर की तरफ धक्का मार रही है, उसका नाम है अपथ्रस्ट, और एक ही फोर्स है जो नीचे लेके जा रही है, वो बॉडी का वेट। तो बॉडी का वेट और अगर अपथ्रस्ट बराबर हो जाए तो बॉडी तैरेगी। तो आर्कमिडीज ने यह कहा कि सपोज आपके पास कोई भी एक बॉडी ये रही, और जिसका वॉल्यूम वी, ये वॉल्यूम वी वन और ये वॉल्यूम वी टू ले लेते हैं चलो, कुछ इस तरीके से फ्लोट कर रही है, फ्लोट कर रही है। अकॉर्डिंग टू आर्कमिडीज प्रिंसिपल, ये जो पोर्शन है ये क्या करेगा? लिक्विड को क्या करेगा? डिस्प्लेस। तो अगर मैं वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकाल लूं, या फिर इसका नाम क्या होता है? अप थ्रस्ट। एक ही बार ये याद रखना, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस और अप थ्रस्ट में कोई फर्क नहीं होता। तो अगर मैं अप थ्रस्ट या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकालूं, दिस मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ बॉडी। तो ये किसके इक्वल होगा? पूरी बॉडी के वेट के इक्वल होगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो अकॉर्डिंग टू आर्कमिडीज प्रिंसिपल, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय दिस पोर्शन, क्योंकि यही पोर्शन वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है और इसी के ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा है, और ये किसे बैलेंस करेगा? होल वेट ऑफ द बॉडी। तो आर्कमिडीज ने पहली स्टेटमेंट क्या दी? पहली स्टेटमेंट क्या है? देखो, पहले केस में बॉडी डूब भी सकती है, तैरने का चक्कर ही नहीं है। चाहे आप पानी में डुबो, हाथ में पकड़ के रख लो, या डुबो दो या तैरे, कोई फर्क नहीं। तो अगर पूरी की पूरी बॉडी पानी में डाल दी तो लॉस इन वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। यहां तैरने का चक्कर नहीं है, तो होल वेट ऑफ द बॉडी का काम ही नहीं है यहां पे, क्योंकि बॉडी को तो डाल दिया नीचे पानी में, मान लोहे की बॉल है, तो लॉस इन वेट हो गया, और लॉस इन वेट किसके इक्वल होगा? अपथ्रस्ट। और अपथ्रस्ट क्या होता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। एक ही बात है। तो पहली स्टेटमेंट क्लियर है। और दूसरी स्टेटमेंट कि जब कोई बॉडी तैरेगी, फ्लोट करेगी, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय दिस पोर्शन मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। ये सेकंड स्टेटमेंट है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, ये बताओ कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस की वैल्यू निकालते हैं। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या होगा? वी माइनस वी डैश। क्योंकि जितना पोर्शन सॉलिड का इस बॉडी का पानी के अंदर है, उतना ही पानी डिस्प्लेस्ड है, तो पानी का वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस्ड है? वी माइनस वी डैश। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड में वी माइनस वी डैश इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। क्यों? क्योंकि किसका वेट निकल रहा है? लिक्विड का। तो डेंसिटी भी किसकी? लिक्विड की। जिसका वेट है उसी की डेंसिटी है, क्योंकि वेट किसका है? लिक्विड का। तो डेंसिटी किसकी? लिक्विड की। अगर बॉडी का वेट निकालेंगे तो डेंसिटी किसकी? बॉडी की। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड किसकी वजह से निकलेगा? इसकी वजह से। तो वी माइनस वी डैश इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। और आर्कमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस तो वहां से उठा के मैंने यहां पुट कर दिया, और होल वेट क्या होगा? टोटल बॉडी का वॉल्यूम वी इंटू डेंसिटी बॉडी की कितनी? रो बी इंटू जी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी, और जब होल वेट निकल रहा है तो डेंसिटी किसकी यूज कर रहे हैं? बॉडी की। क्लियर है यहां तक? मैं फिर से लगा के दिखाता हूं एक बार ताकि और क्लियर हो जाए। सपोज करो फिर से एक ये बॉडी, इसका वॉल्यूम सपोज यहां पर V1, इसका वॉल्यूम यहां पर V2, डेंसिटी लिक्विड की रो एल लिक्विड, और बॉडी की डेंसिटी रो बी, राइट? तो क्या है आर्कमिडीज प्रिंसिपल? ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये वाला पोर्शन क्या करेगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस पोर्शन मस्ट बी इक्वल टू क्या? होल वेट ऑफ बॉडी। वैल्यूज पुट करें। अब वेट ऑफ लिक्विड में वॉल्यूम लिक्विड का कितना डिस्प्लेस हुआ? V2। तो यहां पर क्या आएगा? V2। किसका वेट निकल रहा है? लिक्विड का। तो डेंसिटी किसकी? लिक्विड की इंटू जी। तो वेट आ गया लिक्विड का डिस्प्लेस का, और होल वेट ऑफ बॉडी में वॉल्यूम कितना? वी। होल वेट में वॉल्यूम वी। किसका वेट निकल रहा है? बॉडी का। तो डेंसिटी किसकी? बॉडी
बॉडी की इनटू कितना जी। तो इक्वेशंस कैसे लग रही हैं बना रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। पहली स्टेटमेंट, अगर बॉडी को पूरा इमर्स कर दिया तो देयर इज लॉस इन वेट। तो लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू क्या, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड या अपथ्रस्ट, पहली स्टेटमेंट। और दूसरी, जब बॉडी तैरेगी तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय वॉल्यूम वी टू इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। ऐसा क्यों? क्योंकि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड को ही क्या बोलते हैं, अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट। ठीक है यहां तक? तो ये रूल समझ में आ रहे हैं। मैं इस रूल को एक बार लगा के दिखाता हूं आपको और क्लैरिटी होगी। ये एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, कॉम्पिटिशन में भी आती है, एनसीईआरटी स्कूल में भी आती है, कि एक आइसबर्ग वाला क्वेश्चन है। एक आइसबर्ग है और इस फ्लोटिंग पार्शली इमर्स्ड इन अ सी वाटर। तो ये आइसबर्ग तैर रहे सी वाटर में तैर रहे। डेंसिटी ऑफ सी वाटर गिवन, तो डेंसिटी ऑफ सी वाटर गिवन, डेंसिटी ऑफ आइस इज गिवन, आइस की डेंसिटी इज गिवन। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इज अबव लेवल ऑफ सी वाटर। तो कह रहे हैं कि कितना वॉल्यूम या कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सी वाटर के ऊपर है। तो कितना वॉल्यूम ऊपर है, वी डैश। टोटल वॉल्यूम कितना है, वी। तो मुझे ये निकालना है, ये मेरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या निकालना है कि कितना वॉल्यूम का फ्रैक्शन या परसेंटेज आपको हवा में दिख रहा है। तो मुझे सिर्फ ये बताओ, ये बॉडी तैर रही है ना, और अगर ये बॉडी तैर रही है तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। क्या ये रूल क्लियर है? यही था अब ये रूल किया हमने। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या है निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना, अगर टोटल वॉल्यूम वी और ये वी डैश, तो ये कितना, वी माइनस वी डैश। तो वी माइनस वी डैश इंटू डेंसिटी ऑफ सी इंटू जी, क्योंकि किसका वेट निकाल रहे हैं, लिक्विड का, और लिक्विड यहां पर कौन सा वाटर है, सी वाटर है। तो डेंसिटी किसकी, सी वाटर। दिस इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, होल वेट ऑफ द बॉडी निकालने, होल वेट में टोटल वॉल्यूम वी और बॉडी कौन है इसमें, आइस। तो डेंसिटी किसकी, आइस की इंटू जी। तो जी से जी कैंसिल, ये मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, आइस की डेंसिटी, सी की डेंसिटी गिवन। तो यहां से वी बाई वी वन हो गया, वी डैश बाई वी। तो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया, वी डैश बाई वी की वैल्यू आ गई, 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब मेन स्टेप जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही लगाना है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। और जब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकलता है वही अब थ्रस्ट होता है। और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में डेंसिटी किसकी यूज करते हैं, लिक्विड की। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड में डेंसिटी किसकी, ये देखो ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। तो जब आप वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकालते हैं तो डेंसिटी किसकी यूज करते हैं, लिक्विड की। तो अपथ्रस्ट भी एक ही बात है। तो जब आप अपथ्रस्ट निकालें, अपथ्रस्ट का मतलब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एक ही बात है, तो अपथ्रस्ट के अंदर भी डेंसिटी हमेशा किसकी यूज करेंगे, लिक्विड की, बॉडी की कभी यूज नहीं करेंगे। तो जब भी आपने अपथ्रस्ट निकालना हो तो डेंसिटी बॉडी की यूज नहीं की जाती, डेंसिटी किसकी यूज की जाती है, लिक्विड की। वो क्यों, क्योंकि अपथ्रस्ट का मतलब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में डेंसिटी किसकी, लिक्विड की। तो अपथ्रस्ट में भी डेंसिटी किसकी, लिक्विड की। तो ये रूल याद रहेगा। ठीक,